नमस्कार। आज मैं कोकोनट बर्फी बनाने जा रही हूँ, नारियल की बर्फी। उसके लिए मैंने लिया है नारियल, मावा, चीनी और घी, थोड़ा सा सेफ्रॉन मैंने पानी में घोल के रखा है कलर के लिए, और थोड़ी सी इलायची, हाफ स्पून इलायची पाउडर लिया है। मैंने नारियल जितना लिया है उतनी ही शुगर ली हुई है। ये वेट में डिफरेंट है, पर ये आप ऐसे किसी बोल से इसको नापेंगे तो ये जितना बराबर करके जितना नारियल लिया है मैंने उतना ही मैंने शुगर भी लिया है। और मैंने ये मावा 70 ग्राम लिया है, और ये कोकोनट जो है ये 60 ग्राम है, और शुगर हमारी 120 ग्राम्स है। तो सबसे पहले इसके लिए हम शीरा बना लेंगे। सबसे पहले पैन लेंगे, उसमें शुगर डाल देंगे और उसमें इतना पानी डालना है कि शुगर आपकी बस पिघल जाए। या अगर ज्यादा पानी हो गया है तो उसको बॉईल करके और कम किया जा सकता है। इसको हम पानी में डालेंगे तो ये एक छोटी बॉल जैसे बन जाएगी, उस तब ये रेडी है जमने के लिए। शुगर को हम मेल्ट कर लेंगे। शुगर डिजॉल्व हो गई है पर अभी ये बहुत पतला है, ये जमेगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा और बॉईल करते हैं। इसको मैंने 5 मिनट तक बॉईल किया और ये बिल्कुल अब जमने लायक हो गया है। इसको हम चेक कर सकते हैं, ये एकदम ऐसा हो रहा है। और ये एक स्पून में इसको एक ड्रॉप निकाल के हम देख लेंगे। एक ड्रॉप मैंने निकाला, बिल्कुल बॉल जैसा है। और हाथों में पानी लगा के इसको उठाएंगे तो ये इकट्ठा होने लगेगा, बॉल के जैसा बनने लगेगा। दैट मीन्स ये रेडी है। इसमें मैं केसर का पानी भी डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा 1 मिनट और इवेपोरेट कर लेंगे। कलर अच्छा आ गया। इसमें आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं, अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हल्दी नहीं डाल सकते तो केसर डाल लीजिए, या फिर आप अगर फूड कलर यूज कर रहे हैं तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, या बिना कलर के भी ये अच्छा लगेगा दिखने में। ये भी रेडी हो गया है। केसर का पानी आप पहले ही डाल सकते हैं जैसे ये चीनी डालें, ताकि आपको दो बार इसको बॉईल ना करना पड़े। और इसमें मैं अब इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। एक बार बस इसको चला के इसमें मावा भी डाल दूंगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच को बंद कर देते हैं। मिक्स हो गया अच्छे से। इसमें कोकोनट भी डाल लेते हैं, कोकोनट पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको।
वैसे तो सेफ्रॉन का और केसर का और इलायची का दोनों का अच्छा इसमें टेस्ट आ गया है, पर मैं फिर भी हाफ स्पून घी डालूंगी इसमें, थोड़ा और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और बस रेडी हो गया है। इसको एक प्लेट हम किसी प्लेट में या फिर कोई भी बेकिंग ट्रे हो, स्क्वायर शेप हो, जो भी शेप का बर्तन हो, उसको ग्रीस करके उसमें निकाल लेंगे इसको हम। और ये रेडी हो गया बिल्कुल। मैंने एक स्टील की थाली को ग्रीस कर लिया है, मैं इसके बैक साइड पे इसको डाल रही हूँ। आप इसको सामने भी अंदर भी डाल सकते हैं। इसको मैं पूरा निकाल लूंगी इस पे। इसको मैंने निकाल लिया है। आप इसको किसी नाइफ से, नाइफ पे घी लगा के इसको हम बराबर कर लेंगे। जितना आपको इसकी थिकनेस चाहिए उतना आप रख सकते हैं इसको। और इसको मैं साइड्स पे स्क्वायर शेप देती रहूंगी। ये बिल्कुल चिकना होता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर शीरा चीनी पिघलाने के टाइम पे किसी को प्रॉब्लम आती है, चीनी समझ में नहीं आता कितना पानी डालें क्या करें, तो उसके लिए आप पहले थोड़ा सा पानी डालिए शुगर में, थोड़ा सा पानी डालिए शुगर में। एक बार उसको देख लीजिए, वो अगर पूरा मेल्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पानी फिर से डाल दीजिए उसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये ऊपर से बिल्कुल चिकना हो गया है और शेप में भी आ गया है। ये अच्छा स्क्वायर शेप आ गया है पूरा, ये देखिए। और इस पे अब नाइफ पे, चाकू पे घी लगा के इसको कट कर लेंगे, नहीं तो ये जब जम जाएगा तो इसको काटने में प्रॉब्लम होगी। तो अभी मार्क बनाने के लिए काट देते हैं इसको। आराम आराम से काटेंगे। और अगर नाइफ में लगने लग रहा है तो उसको पोंछ लीजिए, फिर से क्लीन रहेगा तो शेप खराब नहीं होता। और ये नाइफ को फिर से क्लीन कर लेंगे। और हो गया ये। ये हो गया पूरा, नाक बन गया है पूरा। अब इसको 2-3 घंटे तक रख देंगे, या फिर जब तक ये जमता नहीं, ऊपर से टच करके पता कर सकते हैं इसको कि ये जमा है कि नहीं। इसको रख देंगे, जब ये जम जाएगा तब इसको हम निकालेंगे। इसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और एकदम अच्छे से जम चुकी है। इसको प्रेस करके हम देख सकते हैं, हार्ड हो गया है एकदम। और नीचे की तरफ जब टच करेंगे तो बिल्कुल ठंडा हो गया है ये, एकदम रेडी है ये। अब वापस से इसके जहाँ पे कट किया है इसमें नाइफ से कट कर लेते हैं।
पूरे पे ऐसे नाइफ से कट कर लेना है, दूसरी साइड से भी कट करेगी, ये निकलने लगी है आराम से। जैसे करके पूरा कट कर लेंगे, पूरा मैंने कट कर लिया है, ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और कैसी लगी आज की मेरी वीडियो आप लोगों को? पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, बनाइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियोस की सारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।